क्या होती है शिक्षा, व्हाट इज एजुकेशन। शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य ज्ञान अर्जित करता और वो ज्ञान उसे समाज में मूल्यवान बनाता है। मनुष्य को बौद्धिक रूप से तैयार करने की प्रक्रिया जो उसे जीवन में परिपक्व बनाती है और वो अपने सोचने और समझने और निर्णय लेने की शक्ति का विकास कर सके, उसे कहते हैं एजुकेशन। बट ये सारी बातें किताबों में और अच्छे विचारों तक ही सीमित है। रियल लाइफ में काफी कम लोग रियल एजुकेशन का मीनिंग समझ पाते हैं। हेलो एंड वेलकम, मैं जय प्रजापति, अ मास्टर कम्युनिकेशन ट्रेनर ऑफ इंग्लिश। आज हम बात करने वाले हैं व्हाई इंडियन स्टूडेंट्स आर स्ट्रगलिंग टू गेट प्रोडक्टिव एजुकेशन। लेट्स स्टार्ट। हम स्टार्ट करते हैं पहले हमारी एजुकेशन सिस्टम से। हमारी एजुकेशन सिस्टम थॉमस बेमिंगटन मैकॉली ने 1830 में बनाई। थॉमस बेमिंगटन मैकॉली एक इंग्लिश पॉलिटिशियन एंड ऑथर। 1830 में भारत एक स्लेव यानी कि एक गुलाम कंट्री, और मैकॉली भी यही चाहते थे कि भारत की आने वाली जनरेशन यानी कि यूथ जनरेशन वो भी आगे और स्लेव ही रहे यानी कि गुलाम ही रहे, इसलिए उसने ये एजुकेशन सिस्टम बनाया। हालांकि इसमें कुछ अमेंडमेंट आया लेकिन इससे कुछ इम्प्रूवमेंट आया है। अब मैं आपके साथ शेयर करूंगा 6 वीकेस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम। फर्स्ट वन इज स्किल डिफिशिएंसी। वीकॉक्स की एक रिपोर्ट के अनुसार टोटल यूथ में से 48.7 यूथ इंडिया में बेरोजगार यानी अनएम्प्लॉयमेंट है। इसका मीनिंग ये हुआ कि दो में से एक युवा जो है वो बेरोजगार। वो स्टडी ये भी बताती है 75% जो यूथ है वो काम कर रहे हैं उसमें भी स्किल डिफिशियंसी और स्किल गैप, इसीलिए वो आगे ग्रोथ नहीं कर पाता। सेकंड वन, रिस्क एवर्जन। लर्न फ्रॉम यस्टरडे, लीव फॉर टुडे, होप फॉर टुमारो, द इम्पोर्टेंट थिंग इज नॉट टू स्टॉप क्वेश्चनिंग। ये फेमस वर्ड ग्रेट साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन के हैं। ये थॉट हमारी एजुकेशन सिस्टम और हमारे स्टूडेंट के माइंडसेट के साथ मैच नहीं करता। स्टार्टिंग से ही हमें यानी कि स्कूलिंग से ही हमें ज्यादातर कैसे मेमोराइज यानी कि रट्टा कैसे मारा जाता है ये सिखाने में, और जिसका रियल लाइफ में कोई भी मीनिंग नहीं, कोई भी यूज नहीं। स्कूलिंग सिस्टम ज्यादातर एग्जाम और मार्क के बारे में सिखाती है और उससे स्टूडेंट को जज किया जाता है। उसे कोई भी क्रिएटिव थिंक स्किल लर्निंग के बारे में नहीं सिखाया जाता। ये सारी चीजों से उसके दिमाग में एक फियर यानी कि डर क्रिएट होता है जिससे उसकी रिस्क एवर्जन यानी कि रिस्क लेने की क्षमता कम हो जाती है। थर्ड वन, लैक ऑफ ऑनेस्टी। अकॉर्डिंग टू द इंडियन एक्सप्रेस पिछले 3 सालों में टेक्निकल एग्जाम में 3500 माल टेक्निशियन की कॉपी केस पाए गए। जब ऑनेस्टी की बात करें तो जितनी भी डेवलप्ड कंट्री है वो यहाँ की ज्यादातर डिग्रीज को वैलिड या अप्रूव नहीं करती, क्योंकि ये डेवलप्ड कंट्री इंडियन एजुकेशन सिस्टम का बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करती। फोर्थ वन, जॉब सीकिंग कल्चर। मैं बाय प्रोफेशन एक टीचर हूँ। मैं जितनी भी कॉलेज या स्कूल में पढ़ाने गया हूँ बस वहाँ ज्यादातर बच्चे सिक्योर जॉब या गवर्नमेंट जॉब को वोट करते हैं। उसे वही चाहिए, गवर्नमेंट जॉब सिक्योर होती है और अगर आप काम करो या ना करो सैलरी मिलती रहती है। ये कोई स्किल डेवलपमेंट की बात नहीं करेंगे, कोई इनोवेटिव एक्टिविटीज या ग्रोथ लर्निंग एक्टिविटीज के बारे में ज्यादातर बात भी नहीं करेंगे और वहां पर ध्यान भी नहीं देंगे। फिफ्थ वन, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है और वो प्रैक्टिस से आता है और प्रैक्टिस जनरेट होती है प्रैक्टिकल लर्निंग से। यहाँ के कॉलेज के स्टूडेंट की बात करें तो 70% ऐसे स्टूडेंट है जिसे बेसिक इंग्लिश और बेसिक मैथ्स भी नहीं आते। ड्यू टू द एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी स्टूडेंट के दिमाग में हमेशा फियर रहता है और वो सबसे बड़ी वजह है लो सेल्फ कॉन्फिडेंस की। सिक्स वन, ट्रेनर एंड टीचर। अब इंडिया में एक एवरेज स्कूल टीचर की सैलरी 15,000 रुपए होती है और कॉलेज के प्रोफेसर की सैलरी 35,000 रुपीज होंगी, जो दूसरी कंट्री के टीचर और प्रोफेसर से काफी कम है। अब बात करते हैं वैल्यू की, तो यहाँ पे टीचर्स की वैल्यू, टीचर और प्रोफेसर की उतनी वैल्यू नहीं होती जितनी दूसरी कंट्री में होती है। और ज्यादातर टीचर जो पढ़ा रहे उसने उसकी कोई भी बेसिक पढ़ाई की नहीं होती, वो अपने फील्ड में सक्सेसफुल नहीं है, इसीलिए जो टीचर का लास्ट ऑप्शन बनता है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। इसका मीनिंग ये हुआ कि उसके पास कोई टीचिंग स्किल नहीं है, कोई टीचिंग की बेसिक फंडामेंटल ट्रेनिंग नहीं है, ये सारी चीज़ें नहीं है। ये तो जो लास्ट ऑप्शन है उसने वो सेलेक्ट किया है, यानी कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम, इसीलिए वो टीचर का प्रोफेशन कर रहा है। अभी तक हमने इंडिया के एजुकेशन सिस्टम की वीकेस्ट पॉइंट पर बात की, अब हम इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। कुछ इम्प्रूवमेंट पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जो इम्प्रूवमेंट
पॉइंट आप लाइफ में इंप्लीमेंटेड करेंगे तो उससे स्किल लर्निंग, क्रिएटिविटी डेवलपमेंट और अच्छी तरीके से आप ये सारी चीजें सीख पाएंगे। पहले समझते हैं स्किल लर्निंग एक्टिविटीज और प्लेटफॉर्म्स के बारे में। पहले बात करते हैं रीडिंग के बारे में। अगर मैं बात करूं वर्ल्ड के टॉप 10 रिचेस्ट मैन की, तो वो अपनी हैबिट्स में हैबिट से ही इस मुकाम तक पहुंचे हैं, और सभी में कॉमन हैबिट्स पाई गई है, वो है रीडिंग। सेकेंड में बात करूं यूट्यूब की। यूट्यूब एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और एंटरटेनमेंट के अलावा उससे आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, और ये कुछ चैनल्स हैं जो आपको डिफरेंट फील्ड में हेल्प करेंगी कुछ सीखने के लिए। फर्स्ट वन कोर्स गसाट इन नटसेल। अगर आप साइंस के बारे में कुछ जानना चाहते हैं या कुछ सीखना चाहते हैं तो ये चैनल साइंस के बारे में काफ़ी कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। सेकेंड वन टेड, टेक्नोलॉजी एजुकेशन एंड डिज़ाइन। इस चैनल में वर्ल्ड के डिफरेंट फील्ड के एक्सपर्ट पीपल्स की काफ़ी वीडियो है जो काफ़ी इंस्पायर है। थर्ड वन DW डॉक्यूमेंट्री, बेसिकली एक जर्मन डॉक्यूमेंट्री चैनल है जिससे आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं और अपनी इंग्लिश भी इम्प्रूव कर सकते हैं। फोर्थ वन प्रोजेक्ट शिवोम, ये एक इंडियन माइथोलॉजी पे डिपेंडेंट चैनल है जिसमें आप वेद, उपनिषद और दूसरे टॉपिक के बारे में काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। फिफ्थ वन नॉलेज फ्यूल, ये चैनल पे आप काफ़ी मोटिवेशन वीडियो है जो आपको इंस्पायर करेंगे अपने फील्ड में आगे बढ़ने के लिए। थर्ड वन कोर्सेरा, कोर्सेरा एक सोशल मीडिया वेबसाइट है जिसमें आप कोई भी कोर्स फ्री में सीख सकते हैं। यहाँ पे हर एक यूनिवर्सिटीज़ के कोर्स अवेलेबल, अगर आप सर्टिफिकेट चाहते हो तो आपको इसका पेड वर्जन लेना पड़ेगा। फोर्थ वन इज़ कोड एकेडमी, आज सभी कोडिंग सीखना चाहते हैं, हालांकि वो इतनी आसान नहीं, बट अगर आप प्लानिंग से और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ सीखे तो आप कोड एकेडमी पे ये सीख सकते हैं। उसमें आप जावा, C++, पाइथन जैसी फ्री लैंग्वेजेस सीख सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरी चीज़ की, जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। इंडियन गवर्नमेंट ने 2020 में पहली बार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस की। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का मेन एम है रिकॉग्नाइज करना और इवोल्यूट करना हायर ऑर्डर स्किल, जैसे कि क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, विजुअलाइजेशन एंड आइडिया जनरेशन। इस पॉलिसी के साथ इंडियन गवर्नमेंट का एक और भी एम है कि स्कूल एजुकेशन विच 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो और जीरो स्कूल ड्रॉप आउट बाई 2030। अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी 10+2 स्कूल करिकुलम रिप्लेस हो जाएंगी 5+3+3+4, जिसकी एज कोरस्पॉन्डिंग है 3-8, 8-11, 11-14 एंड 14-18 ईयर्स। अब बात करते हैं टॉप 5 हाईलाइट्स ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। फर्स्ट वन इज मल्टीपल एंट्री एंड एक्सिट ऑप्शंस इन ए डिग्री कोर्सेज। सेकेंड वन डिसकंटिन्यूएशन ऑफ एमफिल प्रोग्राम्स। थर्ड वन सिंगल रेगुलेटर्स फॉर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स। फोर्थ वन लो स्टेक्स बोर्ड एग्जाम्स। फिफ्थ वन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम्स फॉर यूनिवर्सिटी। हम किसी भी चीज की बुराई नहीं कर रहे। इन अ ग्रोइंग वर्ल्ड एवरीवन वांट्स टू बी स्मार्ट, बट हम कुछ चेंज नहीं चाहते लाइफ में। दैट इज नॉट अ पॉसिबल। वी नीड ग्रोथ इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। सो आई होप आपको ये डिस्कशन पसंद आया होगा, और ये देखने के बाद मैं आशा करता हूँ कि आप सोशल मीडिया पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और लर्न समथिंग न्यू एवरी डे। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी। हैव अ वंडरफुल डे।